अमेजिंग कार्स फॉर यू देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने गाड़ियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज की गाड़ी कुछ स्पेशल है। दोस्तों, आज हम जानेंगे BMW विजन नेक्स्ट 100 के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, जिसको एक बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल अमेजिंग कार्स फॉर यू सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस वक्त जिस गाड़ी को अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस गाड़ी को बनाने के लिए 9 मार्च 2016 तक काम मुकम्मल हो गया था। BMW विजन नेक्स्ट 100 कारों का मकसद अब ऐसे तसव्वुरात पैदा करना है जिनसे लोग मशगूल हो सकते हैं। BMW गाड़ियां बुनियादी तौर पर जर्मनी में बनाई गई हैं और मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी सहूलत डिंग गोल्फिंग में वाक़ है। BMW की ब्रांचेस चीन, ऑस्ट्रिया और बरतानिया में भी मौजूद हैं। BMW का सदर दफ्तर जर्मनी में मौजूद है। जर्मनी, ब्राज़ील, चीन, हिंदुस्तान, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया में मोटर गाड़ियां तैयार करता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मेक्सिको में भी BMW की गाड़ियां तैयार की जाती हैं। BMW विजन नेक्स्ट 100 की पावर के बारे में हम बात करें। BMW का कहना है कि कुल सिस्टम पावर 600 हॉर्स है, 186 फी घंटा की टॉप स्पीड के लिए अच्छा है। इंसानी ऑपरेटर की मदद के लिए वोलोग्राफिक मालूमात फ्राहम करती है। इसमें वीडियो गेम की तरह एक मतवक्का ड्राइविंग लाइन भी शामिल की गई है, जो कि गाड़ी चलाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। और इस कार की खास बात यह भी है कि रुकावटों को आर्जी तौर पर साफ शफाफ जाहिर करती है, ताकि आप देख सकें कि इनका माजी क्या है। इनका माजी क्या है का मतलब, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप सामने से नहीं दे सकते, ये अपने सेंसर के ज़रिए उसको स्कैन करके आपको वाजिया तौर पर दिखा सकती है। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये सेल्फ ड्राइविंग भी कर सकती है। अगर आपके पास कार को चलाने वाला ड्राइवर मौजूद नहीं है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कार के अंदर एक ऐसा मोड लगाया गया है जिसको आप कार के फ्रंट में देख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक ऐसा मोड मौजूद है जो ड्राइविंग की जिम्मेदारी खुद संभाल सकता है। इस गाड़ी के डोर्स में सेंसर लगे हुए हैं, जस्ट वन टच से ही इसके दरवाजे ओपन हो जाते हैं, जिस तरह के आजकल हम टच मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा फीचर्स नहीं है जो हम कहें कि इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। हर एक फीचर्स इसके अंदर बड़ी अहमियत का हामल है। कोई भी चीज़ इसके अंदर फजूल नहीं बनाई गई है। इस गाड़ी के अंदर 4 सीट्स हैं जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं। अगर हम इस कार की प्राइस की बात करें, तो अमेरिका में इसकी प्राइस $2,00,000 है और इंडिया में इसकी प्राइस 1,53,200 रुपीज़ है। अगर हम पाकिस्तान में इसकी प्राइस की बात करें, 3,25,55,000 रुपीज़ है। इस कार का स्टेयरिंग भी कमाल का है। जहाँ पे BMW लिखा हुआ है, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसका स्टेयरिंग ओपन हो जाता है। अगर हम स्टेयरिंग को दोबारा पुश करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है। ये जो डायमंड आप देख रहे हैं, ये सेल्फ ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल होता है।
हम सब जानते हैं कि कारों के मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी पेशकदमी शामिल है, लेकिन इस बात पर गौर कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 100 सालों में कितनी कारें तब्दील हुई हैं। BMW का बेहतरीन अंदाज़ा ये है कि BMW विज़न नेक्स्ट 100 तो मेकर की 100वीं सालगिरह मनाने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी BMW विज़न नेक्स्ट 100 की मालूमात पर एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वाल पर शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करते हुए मेरी हौसला अफजाई करें और कमेंट की सूरत में बताएं कि अगली वीडियो किस कार पर होनी चाहिए। आपसे मुलाकात होगी किसी मालूमाती वीडियो के ज़रिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगेबान। I'm not afraid of the dark.